Welcome to English Guru classes. Please click the red subscribe button and press the bell icon to receive all latest updates and notifications. Good morning students. In today's class we will read the story from the diary of Annie Frank, which is an extract from Annelise Mary Frank's diary, a German-born Jewish girl who was born on June 12, 1929, and डायड इन फेब्रुवरी और मार्च 1945। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, एनलिस मेरी फ्रैंक द्वारा लिखी गई एक डायरी से उद्धृत है जो जर्मनी में पैदा हुई एक यहूदी लड़की थी जिनका जन्म 12 जून 1929 को हुआ था और मृत्यु फेबरुअरी या मार्च में 1945 को हुई इन दिस डायरी एनी गि अ मूविंग एंड ट्रेजिक अकाउंट ऑफ द डिफिकल्टीज फेस्ड बाई हर फैमिली एंड द अदर ज्यूज़ इस डायरी में एनी अपने परिवार एवं अन्य यहूदियों द्वारा उठाई गई कठिनाइयों का मार्मिक वर्णन करती है एनी फ्रैंक रोट दिस बुक वाइल्ड इन हाइडिंग विथ हर फैमिली एंड फोर फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम ड्यूरिंग द नाजीज ऑक्यूपेशन ऑफ़ द नीदरलैंड इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड एनी फ्रैंक ने इस बुक को इस किताब को अपने परिवार तथा अन्य मित्रों के साथ एम्स्टर्डम में अज्ञातवास के दौरान उस समय लिखा जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी नीदरलैंड पर कब्जा कर रहा था हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेंड पावर इन जर्मनी जब नाजियों ने जर्मनी में सत्ता हासिल की व्हेन नाजीज केम इन टू पावर इन जर्मनी तो एनी फ्रैंक का परिवार एम्स्टर्डम चला गया बट ट्रैप्ड वेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इन टू द नीदरलैंड परंतु जब नाजियों का अधिकार नीदरलैंड तक बढ़ गया तो वे सभी उसके जाल में फंस गए बट were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. As persecutions against the Jewish population increased, here persecutions you know uh, it means hostility and ill treatment, another word oppression. In Hindi we can say Atyachar ya Daman. As Persecutions अगेंस्ट द Jewish पॉपुलेशन इंक्रीज जब यहूदी जनसंख्या के विरुद्ध अंकुश या अत्याचार बढ़ गए तो द फैमिली वेंट इन टू हाइडिंग इन जुलाई नाइनटीन हंड्रेड फोर्टी टू इन हिडन रूम्स इन हर फादर ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग तो परिवार जुलाई नाइनटीन हंड्रेड फोर्टी टू में अज्ञात स्थान पर चला गया द फैमिली वेंट इन टू हाइडिंग इन जुलाई नाइनटीन हंड्रेड फोर्टी टू इन हिडन रूम्स इन हर फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग परिवार जुलाई 1942 में अज्ञात स्थान पर चला गया और एनी के पिता ऑटो फ्रैंक के कार्यालय के कमरों में शरण लिया दे टुक शेल्टर इन हिडन रूम्स इन ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग आफ्टर टू ईयर्स इन हाइडिंग दो वर्ष के अज्ञातवास के बाद द ग्रुप वॉज बिट्रेड हियर बिट ट्रे मीन्स बी ग्रेवली डिसलॉयल टू यानी धोखा देना द ग्रुप वॉज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम कंसंट्रेशन दैट मीन्स गैदरिंग और यू कैन से क्लस्टर द ग्रुप वॉज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम तो इस ग्रुप या समूह को धोखा दे दिया गया और उसे कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम यानि यातना शिविर में ले जाया गया वेयर एनी डाइड ऑफ टाइफस। हियर टाइफस इज अ रिकेटसियल डिजीज इन बर्गन बेल्सन विद इन डेज ऑफ अर सिस्टर मार्गॉट फ्रैंक वेयर एनी डाइड ऑफ टाइफस इन बर्गन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मॉर्गर्ट फ्रैंक जहां पर बर्गन बेल्सन में टाइफस रोग के कारण एनी फ्रैंक की मृत्यु हो गई उसकी बहन मार्गर्ट फ्रैंक के आगमन के कुछ ही दिनों के भीतर हर फादर ओटो The only survivor of the group returned to Amsterdam after the war ended to find that her diary had been saved. Her father, Otto, the only survivor, survivor that means a person who survives, especially a person remaining alive after an event in which others have died. Right? सो हर फादर ओटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर इंडेड टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बिन सेव्ड एनी के पिता ओटो समूह से अकेले जीवित बचे और युद्ध की समाप्ति के बाद एम्स्टर्डम वापस लौट आए शायद यह देखने के लिए कि एनी की डायरी सुरक्षित भी है या नहीं कन्विंस्ड दैट इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड ही टुक एक्शन टू हैब इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ अंग गर्ल इस बात से विश्वस्त होकर कि वह एक विशिष्ट रिकॉर्ड है उसने इसे अंग्रेजी भाषा में द डायरी ऑफ अंग गर्ल शीर्षक के तहत छपवाने के लिए कदम उठाए नेक्स्ट पैराग्राफ द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रेंक फॉर हर थर्टींथ बर्थडे एनी फ्रैंक को डायरी उसके तेरहवें जन्मदिन पर दी गई थी एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942 अंटिल अनटिल इट्स फाइनल इंट्री ऑफ फर्स्ट अगस्त 1944 और इस डायरी में 12 जून 1912 से लेकर फर्स्ट अगस्त 1944 तक की प्रमुख घटनाओं का विवरण है इट वॉज इवेंचुअली इवेंचुअली मीन्स इन द एंड अंत इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स इसे अस्पष्ट रूप से या कहें तो अंततः वास्तविक डच भाषा से अनेक भाषाओं में अनुवादित किया गया और दुनिया की सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली किताब बन गई देयर हैव ऑल्सो बिन सेवरल फिल्म टेलीविजन And theatrical productions and even an opera based on the diary. Here, opera means a dramatic work in one or more acts set to music for singers and instrumentalists that is called opera. So there have also been several films, television and theatrical productions, and even an opera based on the diary. और इस डायरी पर आधारित अनेक फिल्मों टेलीविजन और सिनेमा के लिए अनेक कार्यक्रम और यहाँ तक कि एक संगीत कार्यक्रम का भी निर्माण किया गया डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ अ मच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्युपेशन परिपक्व और अंतर्दृष्ट दिमाग की उपज या कृत के रूप में वर्णित यह डायरी नाजियों के अधिकारों के अधीन दैनिक जीवन का एक घनिष्ठ या सन्निकट परीक्षण है एनी फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड मीन्स वेल नोन एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलकास्ट विक्टिम्स एनी फ्रैंक एक प्रसिद्ध लेखिका हैं और उन्होंने नाजी अत्याचार से पीड़ित लोगों का वर्णन किया है हियर मीन्स द मास मर्डर ऑफ ज्यूज अंडर द जर्मन नाजी रेजिम ड्यूरिंग द पीरियड 1941 टू 1945। हंड्रेड हॉलकास्ट विक्टिम्स रिफर्स टू द पीपल हु हुई टारगेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ नाजी जर्मनी फॉर वेरियस डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस ड्यू टू देयर Ethnicity, religion, political beliefs, or sexual orientation. Students, this was all about today's class, and I hope the introductory part of the story would have been clear to you. I will continue the lesson in my next video. Till then, take care. Have a great day.